मुनाफा कमाने के चक्कर में आजकल इंसान हर खाद्य पदार्थ में मिलावट कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के डिपो से जो चावल राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं, उसमें नकली चावल निकले हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि उपभोक्ता खुद कह रहे हैं। वहीं मंडी जिला में भी नकली चावल का मामला सामने आया है, जहाँ उपभोक्ता ने इसकी जाँच करने का आग्रह जिला प्रशासन से किया है। वहीं उन्होंने नकली चावल के पानी में तैरने की बात भी कही है। जो आजकल चावल आ रहे हैं तो ये कुछ सही नहीं आ रहे हैं। इसमें जो है दो किस्म के चावल निकल रहे हैं। कुछ परसेंट जो है इसमें नकली चावल जैसे लगते चावल हैं, मगर ये नकली हैं चावलों का। और इनका जो डिस्टेंस है, कुछ इनका जो नमूना है कुछ और है, थोड़े डिफरेंस लगते हैं। जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये ऊपर आ जाते हैं, बाकी जो असली चावल है नीचे रखा जाता है। तो इससे जाहिर होता है, अगर उसको चेक किया जाए तो उसमें चिकनाहट जैसी महसूस होती है। तो मैं प्रशासन से जो है गुहार लगाता हूँ, जो बाल डिपो में आ रहा है उसे सही ढंग से दिया जाए, ताकि इसके खाने से हमारे जिस्म में जो कोई इफेक्ट ना पड़े और हम लोग बीमार ना हो। क्योंकि ये जो चावल हैं सेपरेट जैसे नज़र आ रहे हैं, और पकाने में जो है इसमें चिकनाहट आती है। जब भी भिगोए जाते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं और इनका जो है वो चिकनापन लगता है। जब इसको भिगो कर बड़ी देर रखे तो ये पतले हो जाते। मेरे घर वालों ने जो है डिपो से लाया है, तो ये कब लिए है? अक्टूबर में लिए हुए हैं, अक्टूबर लास्ट में। तो जब पकाती दफ़ा मैंने भी देखा तो ये ऊपर आए चावल, और उनको हम तो निकाल लिए साइड में, मगर बड़ी देर रखने के बाद जो है बिल्कुल पतले हो जाते हैं। ये चावल जो है नकली है और ये असली नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुछ परसेंट जो है इसमें चावल में सम्मिलित किए गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितना भी राशन डिपो में आता है उसे चेक करके भेज दिया जाए, ताकि इसके खाने से जो है किसी को कोई इफेक्ट ना पड़े। हो सकता है इससे जो है हमारे हार्ट में फ़र्क पड़ जाए, जिस्म में फ़र्क पड़ जाए, खाने में बड़ा कुछ अजीब ऐसा लगता है। खैर, खाद्य पदार्थों में मिलावट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि उपभोक्ता द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रशासन द्वारा आगे क्या कुछ जांच की जाती है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या सच में चावलों में मिलावट हो रही है या बात कुछ और है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।